वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पहली बार पेश किया डिजिटल रूप में आम बजट। 2021-22 के लिए कुल 34,83,000 करोड़ रुपए का पेश हुआ आम बजट। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में इस बार का बजट प्रस्ताव 6 पिलर्स पर आधारित। वित्त मंत्री ने हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी विकास, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को इस बार के बजट का 6 स्तंभ बताया। अकेले हेल्थ सेक्टर के लिए इस बार के बजट में 2.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा। इस तरह हेल्थ सेक्टर के बजट में तकरीबन 134% तक की हुई बढ़ोतरी। कोविड वैक्सीन को विकसित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की रकम का किया आवंटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी किया ऐलान। इस पर 64,000 करोड़ की पूंजी होगी खर्च। सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। आयकर स्लैब में इस बार नहीं किया गया कोई बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस बजट में किया बड़ा ऐलान। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत। जनवरी 2021 में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा कर यानी GST राजस्व हुआ एकत्रित। वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी में एकत्रित हुआ सकल GST राजस्व 1,19,847 करोड़ रुपए। देश में उज्ज्वला स्कीम का किया जाएगा विस्तार, जिसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को किया जाएगा शामिल। इसके साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को जोड़ा जाएगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से। वर्तमान में सोलर घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर किया जाएगा 20%। आम बजट से शेयर बाजार में भी आया भारी उछाल। निवेशकों ने कमाए 1.80 लाख करोड़ रुपए। बजट भाषण शुरू होने के 30 मिनट के भीतर ही बेंचमार्क सूचकांकों में लगभग 2% की हुई बढ़ोतरी। भारतीय तटरक्षक दल आज मना रहा है अपना 45वां स्थापना दिवस। भारतीय तटरक्षक बल अथक उत्कृष्ट प्रयासों के माध्यम से तटों की सुरक्षा, मछुआरा समुदाय और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर असर डालने वाली परिस्थितियों से तत्परता से निपटता है। भारतीय रेलवे फिर से शुरू करने जा रहा है ई कैटरिंग सेवा। IRCTC पहले चरण में 62 स्टेशनों पर शुरू करेगा ई कैटरिंग की सेवाएं। रूस में हजारों लोगों ने जेल में बंद विपक्षी नेता अलेक्सी नवालनी की रिहाई की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। नवालनी पर जानलेवा हमला से स्वस्थ होने के बाद रूस लौटने पर किया गया था गिरफ्तार। म्यांमार के राष्ट्रीय सलाहकार आंग सान सू की और सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को आज तड़के किया गया हिरासत में। आज होने वाली म्यांमार की नव निर्वाचित संसद की पहली बैठक से कुछ घंटों पहले ही की गई कार्रवाई।